जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा, गांव में शेर घुस आया है। गांव वाले बहुत परेशान थे। बाकी की कहानी आगे देखिए। गांव में शेर आने के गांव वाले बहुत डरे हुए थे। कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे और इधर शेर निधर होके हर जगह घूम रहा था और वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। भूखा शेर घूमते घूमते थक गया तो वहाँ एक जगह बैठ गया और इधर गांव वाले देखकर परेशान, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गांव का एक व्यक्ति बोला, उपाय है मेरे पास, अगर हम सब राजा साहब से बात करें तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी गांव वाले बोलते हैं, जल्दी से राजा साहब के महल जाओ तुम दोनों और उनको अपने गाँव के बारे में बताओ। कुछ ही समय में गांव वाले दोनों लोग पहुंच जाते हैं राजा साहब के पास, उनको अपने गांव के बारे में सब कुछ बताते हैं। राजा साहब, हमारी मदद कीजिए। राजा बोले, घबराओ मत, आराम से बताओ क्या बात है। आप हमारे साथ चलिए, हम और हमारे गांव वाले की जान संकट में है। राजा बोले, ठीक है चलो। थोड़ी देर चलने के बाद राजा उनके गाँव पहुँच गए। राजा को देख आते हुए गांव वाले जोर जोर से बोलने लगे, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। राजा बोले, परेशान मत हो, बोलो क्या बात है। गांव वाले बोले, महाराज गांव में एक शेर घुस आया है, हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजा बोला, चिंता मत करो, इस समस्या को अभी खत्म कर देता हूँ। इतना बोलकर शेर से लड़ने के लिए जाने लगा। राजा को देख आते हुए शेर गुस्सा होकर दौड़ा, राजा पर हमला करने वाला ही था। तभी राजा बोला, रुक जाओ, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतर दूंगा, अपने जंगल चले जाओ। ये बात सुनकर शेर शांत हो जाता है और बैठ जाता है। फिर वहाँ अपने जंगल लौट जाता है, राजा भी अपने महल चला जाता है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आज के लिए इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।